तेज खबर 24 में इस वक्त देखिए बड़ी खबर है, जहां कटनी जिले से जहां बरही में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवती और युवक की पहचान जीजा और साली के रूप में की गई है। युवक और युवती का शव बरही थाना के पिपरिया कला स्थित सिंगौड़ी सड़क पर पेड़ के नीचे देखा गया है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और मौका मुआयना कर रही है। दोनों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई यह अभी साफ नहीं हो सका है। मामले में मृतकों के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका भी जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पंचनामा कर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल यह पूरा मामला कटनी के बरही थाना क्षेत्र पिपरिया कला गांव का है, जहां आज सुबह युवक और युवती का शव पेड़ के नीचे पड़ा मिला है। मामले की जानकारी लगते ही फॉरेंसिक अधिकारी व बरही एसडीओपी समेत बरही पुलिस मौके पर पहुंची। बरही थाना प्रभारी शंकर सिंह ने बताया कि युवती और युवक का आपसी संबंध जीजा साली के रूप में किया गया है। युवती की पहचान ममता पाल बराहटा निवासी के रूप में की गई है, वहीं अनिल पार निवासी उमरिया जिला मानपुर छापदौड़ गांव के रूप में की गई। पुलिस ने बताया कि शव करीब 5 दिन पुराना है। वहीं मृतकों के परिजनों ने दोनों की हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल की घटना है जी, कल 16 तारीख थी सुबह, कुटवार के द्वारा सूचना दी गई है ग्राम पिपरिया कला सिंगौड़ी रोड पर बिजली ऑफिस के पास जंगल में, बिजली ऑफिस के पास जंगल में एक अज्ञात महिला और अज्ञात पुरुष का शव पड़ा है, जिसकी सूचना मुझे दी गई थी। उक्त सूचना को मैंने अपने एसडीओपी मैडम एसपी साहब को और एफएसएल प्रभारी को मैंने बताया। तत्काल अपने बल के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पर एसडीओपी मैडम एवं एफएसएल प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित हुए, जिसकी दिशा निर्देशों मैंने मर्ग पंचनामा मर्ग इंटीमेशन की कार्रवाई की गई। पहले तो अज्ञात था, इसके बाद में ज्ञात हुआ है जो अज्ञात महिला थी उसका नाम ममता पाल ग्राम बहरघट्टा की है, और जो अज्ञात पुरुष है वो ज्ञात हुआ है कि उसका नाम अनिल पाल है, जो छपरौड़ जिला उमरिया का रहने वाला है। दोनों रिश्ते के हैं कि जिया साली का रिश्ता दोनों में है। अभी मर्ग कायम करके जांच लिया गया है, जांच की जा रही है, और जैसी जाँच तो आगे और पैदल कार्रवाई की जाती है। सर क्या लग रहा, हत्या हुई है फिर उनके साथ? इसमें तो हत्या का इसमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लाश रोड सड़क लगाई थी, इनको तो जो शेष शरीर बचा हुआ था वहाँ कोई चोट के निशान नहीं है। सर बताया जा रहा है 4-5 दिन पूर्व गायब हुई थी बच्ची? हाँ, वो बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पूर्व घर से जो लोग निकले थे वहाँ बरहटा से, और वो किसके पास गायब हुए, घर भी नहीं पहुँचे। सूचना क्या